प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक, आज आपने ऑफिस से छुट्टी ली है ना, तो मैंने भी आपके लिए स्पेशल डिश बनाई है। प्लीज अंजलि, प्लीज फॉर गॉड सेक, हाँ ये मत कहना कि करेले के कोफ्ते, मेथी का मिल्क शेक बनाया। मैंने आर्टिकल लिखने के लिए छुट्टी ली है और अच्छा खाऊंगा तो अच्छा लिखूंगा। हाँ पता है बाबा, इसीलिए मैंने आपके लिए डिलीशियस दही वड़ा बनाया है। दही बड़ा? क्या बात कर रही हो? अरे वाह, फिर तो इतना अच्छा लिखूंगा कि लोग कहेंगे दही बड़े खा के बड़ा लेखक बन गया भाई। वाह 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 वाह। अंजलि भाभी। अरे कोमल भाभी, आओ आओ। आइए 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 कोमल भाभी, नमस्ते। अरे गोली बेटा, गुड मॉर्निंग अंजलि आंटी। गुड मॉर्निंग। बेटा बैठो। अकेले अकेले? गोली बेटा, ऐसा नहीं पूछते। अरे नहीं नहीं कोमल भाभी, बच्चा है यार, इसे क्या रोक रही हैं आप? चखो बेटा, अगर चखना है तो चखो। आप इतना जिद कर रहे हैं तो मैं मना तो नहीं कर सकता। थैंक यू अंकल। बताइए कोमल भाभी, कैसे आना हुआ सुबह सुबह? हाँ एक्चुअली मुझे मेहता साहब का थोड़ा काम था। हाँ बोलिए बोलिए। दरअसल मैं चाहती हूँ कि आप गोली को ज्ञान की गोली दो। हाँ ज्ञान की गोली, बहुत प्यारा बच्चा है गोली, तो इसे ज्ञान की गोली। हाँ इसे ज्ञान की गोली की जरूरत नहीं है, हाजमे की गोली की जरूरत है। गोली के वेकेशंस चल रहे हैं और गोली बस पूरा दिन खेलते ही रहता है। करियर के बारे में कुछ बोलो, कुछ पूछो, उसे क्या बनना है, वो क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, he has got no interest. आप जरा प्लीज उसे गाइड कीजिए ना, उसे कुछ मोटिवेशन दीजिए ना प्लीज। हाँ कोमल भाभी, मैं बात करता हूँ ना। हाँ बेटा बताओ, गोली तुम्हें बड़े होके क्या बनना है? प्राइम मिनिस्टर। देखिए कितने उच्च विचार है बालक के, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। वेरी नाइस गोली, वेरी गुड बेटा। प्राइम मिनिस्टर। अच्छा प्राइम मिनिस्टर बनके तुम क्या करोगे? मैं अनाज के दाम सस्ते कर दूंगा ताकि सबके पेट भरे। अरे देखिए कितना ब्रिलियंट बच्चा है, महंगाई और गरीबी कम करना चाहता है प्रधानमंत्री बनके। वेरी गुड। अरे इतना ही नहीं अंकल, सब जगह पे पिज्जा और बर्गर पे 50% ऑफ, और बस की और ट्रेन की टिकट पे सैंडविच और समोसा फ्री, और चॉकलेट पे तो मैं ऐसी ऑफर रखूंगा ना, जो सबसे ज्यादा चॉकलेट खाएगा उसको मेरी तरफ से 1 किलो चॉकलेट फ्री। अरे बेटा ये सोचने का कौन सा तरीका हुआ? माना कि राजनीति में खाने पीने की बहुत संभावना है, पर ऐसे तो देश बर्बाद हो जाएगा। तो भाई देश का प्रधानमंत्री सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं सोच सकता ना। सुनो। हाँ गोली, देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है, एडुकेटेड इंसान बनना पड़ता है, देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखना पड़ता है, समाज सेवा करनी पड़ती है, तब जाके प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बराबर। देखो बेटा अंजलि आंटी ने बिल्कुल ठीक कहा। और वैसे एक बात बताऊं गोली, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो एक बहुत प्रसिद्ध जापानी कहावत है, उसे हमेशा याद रखो कि जो काम दूसरे लोग कर सकते हैं वो तो मैं जरूर कर सकता हूं, और वो काम जो दूसरे लोग नहीं कर सकते उसे तो मैं अवश्य करूंगा। वेरी नाइस अंकल, मैंने तो दूसरी कहावत सुनी है। क्या? जो काम दूसरे कर सकते वो हम क्यों करें।
और जो काम दूसरे नहीं कर सकते उसको करने की बेकार मेहनत हम क्यों करें? देखा मेहता, सब देखा, सुना आपने? मैं देख भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। ये ऐसे इसके विचार सबसे अलग ही होते हैं। मैं परेशान हो चुकी हूँ मेहता साहब, प्लीज आप उसको गाइड कीजिए ना, उसको जरा समझाइए। एंड गोली, तुम प्लीज ध्यान देकर सुनना, ओके? अंजलि भाभी, मुझे घर पे बहुत सारे काम पड़े हैं, आप भी जरा प्लीज इसको समझाइए ना। आप दोनों मिलकर अगर इसे समझाएंगे ना तो आई एम श्योर गोली सुनेगा, प्लीज। भाभी आप चिंता मत करो, ये है ना। थैंक यू, मैं हूँ ना। थैंक यू मेहता साहब। जी जी, बाय, टेक केयर एंड लिसन प्रॉपर्ली, ओके? हाँ, डांटिए मत। बाय। अरे अंजलि आंटी, मेरे पास एक सवाल है, उसका जवाब दीजिए ना। हाँ हाँ, जरूर पूछो। ये दही बड़े और मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। अरे बेटा, तुझे अगर दही बड़ा नहीं मिला तो किससे मिलेगा है? ये भगवान, जब दिन की शुरुआत ही ऐसी हुई है तो अंजाम पता नहीं क्या होगा, बचाना भगवान। अक्षरे का कुंबड़ी से पाए, ऐसे बच्चों की वजह से मेरे आंखों का नंबर बढ़ता जा रहा है। ए माधवी, माधवी लवकर ये काय झालं? ये देखो इस विद्यार्थी ने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। सवाल है कि अकबर कौन था? इस हुशार ने लिखा है ऋतिक रोशन। बरोबर है, जोधा अकबर फिल्म में ऋतिक रोशन ही अकबर था। माधवी वेडियस कह तू। मजाक कर रही हूँ। माधवी ये मजाक की बात नहीं है, बहुत सीरियस बात है। अगर कल की होने वाली पीढ़ी ऐसे जवाब लिखेगी तो क्या होगा हमारे देश का? माधु भाभी, ये जो डब्बा है कोकिला बेन का है और ये संता मासी का है। अच्छा, ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे बैठो ना, मैं कोकम शरबत लेके आती हूँ। नहीं नहीं, दुकान में बहुत काम है। मिर्जा, चलता हूँ मैं। चलो। अरे माधवी भाभी लीजिए। अरे सोनिया जी, आइए आइए। लाइक कितने किलो है? 5 किलो। हाँ, मनीषा जी आपके? 3 किलो। अच्छा अच्छा, डिलीवरी लेने कब आऊँ? नहीं नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, सोनू के पापा है ना, वो पहुँचा देंगे। हाँ ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके अच्छा। माधवी, क्या चालले का है यहाँ? क्या है, क्या ये सब? पापड़ की ऑर्डर है, इस बार सिर्फ मेहनत और मसाला मेरा और दाल कस्टमर की। आओ, एक काम कीजिए ना, ये सारे डिब्बे जरा यहाँ रख दीजिए ना। अबे ये मुझे पेपर चेक करना है। हाँ तो बाद में कीजिए ना, देखिए मुझे बहुत सारा काम है, मसाले की तैयारी करनी है, मसाला कूटना है, दया भाभी रोशन भाभी सबको फोन करके पापड़ का ऑर्डर लेना है, उसके बाद बस डब्बे रखता हूँ मैं। हाँ क्या फोन को देख क्या रहा है, जाके उठा। नहीं, मुझे लगा दया उठा। हेलो हेलो जेठा भाई, मैं माधवी बोल रही हूँ। हाँ बोला बोला। कैसे हैं आप? बस मजे, खाऊन पीऊन जलसा। चांगला है चांगला है, चालू दे। अच्छा दया भाभी को फोन देंगे जरा? हाँ एक एक मिनट। अरे दया, फोन है। माँ का फोन है? हाँ, सोनू की माँ का। माधवी भाभी का फोन है। वीडियो बैठ। हाँ हाँ, वीडियो बैठ बोलिए। हाँ दया भाभी, सोसाइटी के कई लोगों के लिए मैं पापड़ बनाने वाली हूँ, तो आपको पापड़ बनवाने हैं? मेहनत और मसाला मेरा, बाकी सामान आपका। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे टप्पू के पापा को तो पापड़ बहुत पसंद है, लेकिन जैन। हाँ हाँ दया भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जैन पापड़ ही बनाऊंगी आपके लिए। बस आपको जितने किलो के पापड़ बनवाने हैं ना, उतने किलो की उड़द दाल मेरे घर पर भिजवा दीजिए। ठीक है, तो मैं 5 किलो उड़द की दाल और 500 रूपए आपके घर पर पहुँचा देती हूँ। 500 रूपए? क्यों, पैसे भी डालने हैं क्या पापड़ में? क्या में आप भी, आपकी फीस तो देनी पड़ेगी ना। दया भाभी, वो हिसाब किताब बाद में देखेंगे, बस आप उड़ीद दाल भेज दीजिए। ठीक है,
मम्मी मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। टपुरा नाश्ता किया कि नहीं? हाँ दादाजी कब का, मैं पापा की तरह लेट उठकर बिना नहाए नाश्ता नहीं करता। जेठिया तो अभी तक नहाया नहीं है? बस जा रहा हूँ बाबूजी। दे एक और कप चाय देना। हाँ। ओ, एक काम कर, एक कप क्यों, पूरी बाल्टी भर के चाय लेकर आ। भाई तू चाय से ही नहा ले। आइडिया अच्छा बाबूजी। ऐसे टम्बलर से नहाते नहाते जितना मर्जी उतना चाय पी सकते हैं। और ओ साबुन की जगह पे बिस्किट का इस्तेमाल करने का, मतलब ऐसा घिसने का नहीं, सीधा ऐसा खाने का। चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। क्या बोल रहा है? मजाक मजाक कर रहा हूँ बाबूजी। ये मजाक पड़ी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब मुझको तब एक कप और चाय देना, एक कप और चाय देना। घर में इतनी चाय पीता है तो पता नहीं दुकान में कितनी चाय पीता होगा। बंद कर दे ये तेरा चाय पीना। और गांधी जी बन, गांधी जी, गांधी जी की तरह बकरी का दूध पीना शुरू कर दे, सेहत के लिए अच्छा होगा। अब देखो तब चाय 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 लो कहीं ना, जा चाय पीने जा। नहाने जा, नहाने जा। नहाने का बोल रहे बाबूजी। चाय। अंकल ये तो खत्म हो गया। बेटा यही नहीं, इसके पहले भी बहुत कुछ खत्म हो गया है। गोली बेटा समझो, मैंने आर्टिकल लिखने के लिए छुट्टी ली थी, और तुम्हें ऐसे मोटिवेट करूंगा तो मैं खुद डीमोटिवेट हो जाऊंगा। बेटा बच्चों के साथ सोसाइटी में खेल लो ना थोड़ी देर, प्लीज। ठीक है अंकल, कल मैं फिर आता हूँ। कल भी आएगा? हे भगवान। हाल तूने मेरा किया है वही हाल मैं तेरा करूंगा। उसके घर जाना है। पापड़ बनाना है आपको, माधुरी जी के घर पे जाना है। यहाँ पर रहती माधुरी जी। मुझे जेठालाल के घर जाना है। दया बहन तू पापड़ बनाती नहीं है? हाँ खमन ढोकला बहुत अच्छा बनाती है। भाई मेरे को जेठालाल का काम है। अंकल सीढ़ी के ऊपर, ये मारा घर है। हाँ जाइए, ये यहाँ पर रहते। कौन थे? पता नहीं, चलो खेलते हैं। अबे तुम लोग खेलो, मैं जाता हूँ अपनी दुकान पे। साहब मेरा छान कर दिया तुमने। चल चल चल।
नमस्ते चाचा जी, अंदर आऊं? हाँ बोलो भाई, मैंने पहचाना नहीं। मैं वो हूँ, आपका वो है ना, वो मुझे अच्छी तरह जानता है, जरा प्लीज बुलाइए ना। अरे कौन हो तुम? मेरा कौन तुम्हें अच्छी तरह जानता है, किसे बुलाऊं? चाचा जी आपने पहचाना मुझे? नहीं, मैं आपका वो है ना, उसका वो हूँ। अरे क्या वो जेठा? ए जेठा। हाँ बाबूजी। अरे भरत। जेठालाल। अरे सुबह सुबह तू इधर ये सब क्या? बैठ बैठ बैठ। बाबूजी ले, आपने इसको नहीं पहचाना? नहीं। ये श्रॉफ बिल्डर भरत श्रॉफ। ओ बिल्डिंग का काम काज है, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, बहुत बड़ा काम काज है इनका। अच्छा बहुत बड़ा काम काज है तो ये स्लीपर और ऐसे कपड़े क्यों पहने? वो तो मैं भी सोच रहा हूँ बापू जी। भाई भरत सब ठीक है ना? सब ठीक है जेठालाल, थोड़ा जरूरी काम था। हाँ बोलो। बात यह है कि जेठालाल बोलो, आज के दिन तुम्हें यह संभालना है, इसमें वो है। एक मिनट भाई, तुम्हारी ये वो की भाषा मैं कभी नहीं समझ पाया, तुम प्लीज साफ साफ बोलो मामला क्या है। जेठालाल मुझे पक्की इंफॉर्मेशन मिली है कि हम बिल्डर लोगों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ने वाली है। अरे बाप रे, हो सकता है मेरे घर पर भी पड़े, इसलिए मैं यहाँ लेके आया हूँ। आज के दिन तुम्हें इसे संभालना है। लेकिन क्या इसमें है क्या? 50 लाख रोकड़ा, ब्लैक मनी। हाँ। अरे भाई तुम ये यहाँ क्यों ले आए, मुझे क्यों टेंशन में डाल रहे हो? तुम क्यों टेंशन लेते हो जेठालाल, तुम्हारा सारा काम काज तो व्हाइट में होता है। हाँ? सिर्फ आज के दिन ही तुम्हें ये संभालना है, कल मैं वापस ले जाऊंगा। अरे लेकिन जेठालाल मुसीबत में हूँ, प्लीज मदद कर दो। भगवान ने चाहा कल तुम तकलीफ में आओगे तो मैं मदद करूंगा। थैंक यू वेरी मच जेठालाल, थैंक यू। आज जैसे ही टेंशन खत्म होता है मैं कल पैसे वापस ले जाऊंगा। ओके, लेकिन कल पक्का ले जाना। पक्का पक्का, कल का परसों मत करना। नहीं, थैंक यू वेरी मच। चलो जेठालाल का जीवन में एक और टेंशन। आइए आज जरा भाषा पे बात करें। आपने अंग्रेजी का एक शब्द सुना है सिनोनिम, जिसका हिंदी अनुवाद है पर्यायवाची, मतलब कि समानार्थी शब्द, दो शब्द जिनके अर्थ एक जैसे हों। जैसे कि मेरे दोस्त जेठालाल और मुसीबत, दोनों समानार्थी हैं, जेठालाल जहां मुसीबत वहां, और अगर जेठालाल मुसीबत तक नहीं पहुंच सकते तो मुसीबत पहुंच जाती है उनके घर। जैसे अब देखिए ना, भरत भाई मुसीबत लेके आ गए घर पे, 50 लाख रुपए की मुसीबत, ब्लैक मनी। मुझे समझ में नहीं आता काला धन लोग रखते क्यों है। भाई सरकार ने टैक्स की एक पॉलिसी बना रखी है, ईमानदारी से टैक्स पे कीजिए ताकि आपका और देश का दोनों का भला हो सके, लेकिन अभी स्थिति ये है कि 50 लाख रुपए की ब्लैक मनी भरत भाई चाहते हैं कि जेठालाल अपने पास रखे, मुसीबत किसी और की, लेकिन पहुंच गई जेठालाल के घर। भैया करें क्या, जब किस्मत ऐसी हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन टेंशन बहुत ज्यादा है। आपने कभी सोचा है कि किसी दूसरे के पैसे आपके घर में पड़े हो और वो भी ब्लैक मनी के हो, तो आपकी हालत क्या होगी? नींद उड़ जाएगी, चैन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल वही हाल है मेरे दोस्त जेठालाल का अभी, बहुत सारी मुसीबत, बहुत सारा टेंशन 50 लाख रुपए के रूप में, लेकिन आपके लिए क्या, करोड़ों के ठहाके। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।